नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलन एनजीओ की वर्किंग के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम संजीव सांगवान, मेरी क्वालिफिकेशन, मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, एमबीए, एमएमसी, दूसरी बीटेक फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी एंड एलएलबी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9354128928, दूसरा नंबर 8930073000। ये दोनों मेरे व्हाट्सएप नंबर भी हैं और कॉल के लिए भी हैं। सबसे पहले चीज़, हमारे एनजीओ के अंदर हम बताते हैं टेंथ के बाद कौन से करियर ऑप्शंस हैं। उसके बाद टेंथ के बाद साइड स्ट्रीम कैसे चुने। जैसे बहुत सारे बच्चों के सामने ये समस्या होती है कि मेरे को आर्ट साइड लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, नॉन मेडिकल लेनी चाहिए, मेडिकल लेनी चाहिए, तो उसको अपनी साइड कैसे चूज करना चाहिए, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। कौन सी साइड स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे नॉन मेडिकल में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मेडिकल में कौन से होते हैं, आर्ट में कौन से होते हैं, कॉमर्स में कौन से होते हैं, उन सब्जेक्टों के बारे में हम आपको बताते हैं। उसके बाद जैसे बच्चा टेंथ कर लेता है, टेंथ के बाद इलेवंथ में जाता है, इलेवंथ के बाद ट्वेल्थ में जाता है, क्योंकि करियर डिसाइड होता है आफ्टर ट्वेल्थ ही। आफ्टर ट्वेल्थ जैसे कि आर्ट के बाद उसके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, कॉमर्स के बाद कौन से करियर ऑप्शंस हैं, नॉन मेडिकल के बाद क्या है, मेडिकल के बाद कौन से करियर ऑप्शंस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। उसके बाद करियर ऑप्शन को आपको कैसे चूज करना चाहिए, आपको करियर ऑप्शन किस तरीके से पसंद करना चाहिए, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अच्छा, जो करियर ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है, आपने जो भी अपने लिए जो भी करियर ऑप्शन सिलेक्ट किया, जैसे आपने इंजीनियरिंग सिलेक्ट कर लिया, इंजीनियरिंग के फोरम्स कब निकलते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग में बहुत सारे फोरम्स होते हैं, आईआईटी के होते हैं, एनआईटी, आईआईटी, आईआईटी के बाद बिट्स पिलानी, और भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी के भी हो गए, डीयू के भी हो गए, डीटीयू के भी हो गए, एनएसआईटी के हो गए, इनके फॉरम कब निकलते हैं, उन सब फॉर्मों की डिटेल्स हम देते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब फॉरम की डिटेल देते हैं तो उसके अंदर उसके लास्ट डेट एग्ज़ाम की क्या, उसकी फॉरम की क्या है, लास्ट डेट के बाद क्या है, एग्ज़ाम की डेट क्या है, एग्ज़ाम के बाद फिर क्या होता है, जैसे ही फॉरम निकलते हैं उसके बाद जब बच्चे की रैंक डिसाइड हो जाती है उसके बाद काउंसलिंग होती है, तो वे जो काउंसलिंग कब कब होते हैं, उनकी डेट क्या है, काउंसलिंग की डेट कब है, उसकी चॉइस फिलिंग की डेट कब है, चॉइस फिलिंग के बाद उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर हो रहा है, रिजल्ट के बाद सीट अलॉटमेंट की कितनी तारीख तक उसको कितना टाइम मिला है, वो सारी डिटेल्स हम आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका हमारा कोई चार्जेज नहीं है। अच्छा, क्या होता है, जैसे जो आपने मान लो कि इंजीनियरिंग चूज किया था, इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, जेई मेन का सिलेबस क्या है, जेई मैन के बाद एडवांस का सिलेबस क्या है, सिलेबस के साथ साथ उसका स्टडी मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेंगे हैं, अगर आप उनके बारे में भी डिटेल चाहते हो कि अच्छे इंस्टीट्यूशनों के सैम्पल पेपर कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं, हम आपको वो अवेलेबल कराने में मदद करते हैं। अच्छा, जो फॉर्म ऑनलाइन फिल होता है वो तो होता है, उसके अलावा जो ऑनलाइन फिल नहीं होता, जो ऑफलाइन फॉर्म होते हैं उनको फॉर्म भी हम आपको प्रोवाइड कराने में भी आपकी मदद करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फॉरम को कैसे फिल किया जाए ताकि रिजेक्शन से रोका जाए। बहुत सारे बच्चों के सामने ये समस्या आती है कि वो एडमिशन के लिए फॉरम गलत फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता और उनका साल ख़राब हो जाता है, तो इसलिए उस फॉरम को कैसे फिल करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर की एडमिशन की कट ऑफ क्या थी, जैसे कि हम देखते हैं कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, उससे पहले कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर हम आपको बताने में मदद करते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जो भी अच्छे कॉलेजेज हैं उन कॉलेजों की कट ऑफ क्या जाती है। अच्छा, उन कॉलेजों में एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि परसेंटेज बेस के ऊपर ही एडमिशन लेती हैं किसी कोर्स में, तो उन सब की डिटेल्स हम आपको इसमें बताते हैं। टॉप कॉलेज को प्राप्त करने के लिए स्मार्ट तरीके से काउंसलिंग कैसे करें। कई बार क्या होता है कि हम उसको जो बेसिकली हर बच्चा काउंसलिंग करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसको काउंसलिंग के अंदर हमको स्पेशल टिप्स बताते हैं जिसकी वजह से उसको कॉलेज को कैसे बढ़ना चाहिए, उसको कल जिस वजह से उसको अच्छा कॉलेज अलॉट होने में उसको मदद मिलती है। उसके बाद गवर्नमेंट फिर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के सामने डिफरेंस ये दिक्कत रहती है कि वो ये बताने में दिक्कत करते हैं कि जी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, तो इसके जो इस डाउट होता है वो डाउट भी हम क्लियर करते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या है। अच्छा, उसके बाद जो आप कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स किस काउंसिल से अप्रूव्ड है, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज या ICT से अप्रूव्ड होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर आप बीएड करना चाहते हो तो बीएड कोर्स जो होता है वो NCT से अप्रूव्ड होना चाहिए, JBT बीएड टीचिंग लाइन के। अगर आप LLB करना चाहते हो तो बार काउंसिल से होना चाहिए। अगर आप आर्किटेक्ट करना चाहते हो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से होना चाहिए। अगर आप डेंटल सर्जन बनना चाहते हो तो
BDS करना चाहते हो तो DCI से अप्रूव्ड होना चाहिए, ऐसे आप MBBS करना चाहते हो तो MCI से होना चाहिए, अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो तो PCI से होना चाहिए। इससे बहुत सारे जो कोर्सेज हैं, कौन सा कोर्स किस काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। उसके बाद आता है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप कौन सी है। क्या होता है कि जो SC ST कैटेगरी, हम सोचते हैं कि केवल स्कॉलरशिप SC ST को मिलती है, नहीं, स्कॉलरशिप जर्नल को भी मिलती है। जर्नल के लिए सरकार का क्या क्राइटेरिया है, SC के लिए क्या क्राइटेरिया है, ST के लिए क्या है, OBC के लिए क्या है, माइनॉरिटी के लिए क्या है, तो इन सारी जो भी गवर्नमेंट की जितने भी स्कॉलरशिप निकलते हैं उन सारी स्कॉलरशिप्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा निकलने वाले फॉर्म, जैसे कि आपने प्लस टू कर ली, प्लस टू के बेस के ऊपर जो गवर्नमेंट के फॉर्म निकलेंगे, SSC के निकलेंगे, दिल्ली सरकार के निकलेंगे, हरियाणा सरकार के फॉर्म, जितने भी जो फॉर्म निकलेंगे सब फॉर्मों की डिटेल हम आपको SMS से देने की कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छी जॉब भी लग सकें। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप हमारी NGO से जुड़ना चाहते हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर को भी देख, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वैसे हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। अब हम पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर बनाएंगे, आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स में कौन से होते हैं, मेडिकल में कौन से होते हैं, नॉन मेडिकल में कौन से, उसके बाद उनका करियर ऑप्शन, मेडिकल का बच्चा कहाँ कौन से क्षेत्र में जा सकता है, अच्छा नॉन मेडिकल का कहाँ जा सकता है, आर्ट का कहाँ जा सकता है, अच्छा उसके बाद भी इनके फॉर्म कब निकलते हैं, ये सारी डिटेल्स हम इसके अंदर आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।